भक्तों के सामने भोग का प्रवचन। सूपन खाए पूतनाए, बार बार पुरुषों के सामने नरक का गेट खोल के बैठ जाते। आश्रम में घिनौना खेल। सबके साथ वो बाबा 16,000 रानियां बोल के उनके साथ बलात्कार करता था। लोग कहते हैं उसकी कैद में सैकड़ों लड़कियां हैं। क्या है 7 तालों में बंद लड़कियों का सच? सात तालों के अंदर हमें मिलवाया एक रहस्य की सनसनीखेज कहानी। VIP बाबा का मायावी संसार। वीरेंद्र देव दीक्षित ये नाम है उस VIP बाबा का जिसका दिल्ली में बहुत बड़ा आश्रम है जहां सैकड़ों लड़कियां रहती हैं। बाबा के भक्तों का दावा है कि आश्रम में लड़कियों को धर्म का ज्ञान दिया जाता है। बाबा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय चलाते हैं, लेकिन अब बाबा के बारे में जो खुलासा हुआ है उसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। सात तालों में बंद दिल्ली के VIP बाबा के रहस्यों की ये कहानी आपको चौंका देगी। बाबा के रहस्यमय संसार की ये वो तस्वीरें हैं जहां कोई इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। सात तालों के अंदर हमें मिलवाया। लोग कहते हैं बाबा के इस किले नुमा आश्रम में जिस लड़की ने भी कदम रखा वो कभी भी यहाँ से निकल नहीं पाई। कन्या यहाँ से कूद कूद के गिरती है, फिर से कन्या यहाँ से मर चुकी है। लोगों की माने तो बाबा अपने इस ठिकाने को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बताता है, लेकिन यहाँ 7 तालों में कैद रहती हैं लड़कियां, वो लड़कियां जिनके साथ बाबा करता है जोर जबरदस्ती। दिल्ली के विजय विहार स्थित बाबा के इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के करीब रहने वाले लोगों का दावा है कि रात में यहाँ लड़कियों की चीखें सुनाई देती हैं। यहाँ लग्जरी गाड़ियां आती हैं जिनमें लड़कियों को बाहर भेजा जाता है, उनसे घिनौना धंधा करवाया जाता है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए जाते थे। छोटी यहाँ पे अलमारियों के अंदर मिल रहे हैं, बंद अलमारियों के अंदर। पुलिस देख रही है कि ये कौन सा आश्रम है, कहाँ से वैलिडिटी है। यहाँ पर ऐसे 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 गोदाम बने हुए, गुप्त अड्डे बने हुए हैं जहाँ पर हम मतलब ढूंढ ही नहीं सकते हैं लोगों को। और इनके साथ वो बाबा 16,000 रानियां बोल के उनके साथ बलात्कार करता था। जितने मुँह उतनी बातें। कोई कहता है दिल्ली में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय चलाने वाला VIP बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित लड़कियों का सौदागर है। बाबा की याद में रह के भोजन खाओ, बाबा की याद में रह करके भोग भोगो इंद्रियों के। तो कोई कहता है बाबा 7 तालों में बंद लड़कियों को नशे का इंजेक्शन देकर उनसे जोर जबरदस्ती करता है। बाबा के करतूतों की ये कहानी दिल्ली पुलिस तक तब पहुंची जब सीमा नाम की ये महिला अपनी लापता बहन दुर्गेश को ढूंढती हुई यहां तक पहुंची। राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली दुर्गेश 9 तारीख से ही अपने घर से गायब थी, और जब सीमा अपने भाई गौरव के साथ यहां पहुंची तो कोहराम मच गया। सीमा का आरोप था कि उसकी बहन को बहला फुसला कर अगवा किया गया है, और अब वो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की कैदी है। हम
हमारे घर से लड़की अगवा हुई, हमें नहीं पता वो कहाँ गई कैसे गई। हमने ढूंढना शुरू किया, जितने भी हम सक्षम थे हमने किसी तरीके से पता लगाया कि हमारी लड़की यहाँ पर है और वो घर से 8 लाख रुपए लेके भागी हुई है। जब हम यहाँ पे सुबह पहुँचे हमने उससे मिलने की कोशिश की, जब हमने मिलने की कोशिश करी तो हमें मिलने नहीं दिया गया। बहन से मिलने के लिए सीमा ने हंगामा मचाया तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और फिर पता चला सीमा की तरह कई और लोग भी हैं जो खुद को बाबा का शिकार बताते हैं। जरा सुनिए एबीपी न्यूज के सामने इस लड़की का खुलासा, जिसका कहना है कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने उसके साथ बलात्कार किया है। फिर यहाँ पर जब मैं वो 2 महीने की छुट्टियों में रही, यहाँ पर और भी लड़कियाँ थी मेरे साथ भी, यहाँ के मेन जो वीरेंद्र देव दीक्षित है उन्होंने रेप किया और ब्लैकमेल किया मुझसे। इवन सभी वैसी सिचुएशन में मैं जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ मैं बहुत शॉक में थी, छोटी एज की थी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। आरोपों की इस कहानी में एक पिता का दर्द भी है, जिनका कहना है कि उनकी लाडली को वीरेंद्र देव दीक्षित ने अपने इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में कई सालों से कैद करके रखा है। साथ साथ तालों के अंदर हमें मिलवाया, उससे हमें बात नहीं करने दी गई। अच्छा हाँ, यहाँ जितनी भी कन्याएं हैं उन कन्याओं के साथ बलात्कार करता है, वो जबरदस्ती कन्याओं से दूसरी कन्याओं को बहलाता है और उनके साथ रात में ले जाकर दूसरी जगह बलात्कार करता है। अब मुझे मिलने नहीं दिया जाता। अब सुनिए इस महिला की आप बीती। ये करीब 5 साल से अपनी बेटी से मिल नहीं पाई है। इस महिला के मुताबिक उनकी बीटेक में पढ़ने वाली बेटी घर से भागकर बाबा के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में चली गई थी। बाद में पता चला तो मामला पुलिस से लेकर कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन अब तक इनकी बेटी घर नहीं लौटी है। ऐसा है मैम, यहाँ के जो ये लड़कियाँ हैं इनके जो लोग हैं वो इधर उधर फैले हुए होते हैं, तो पता नहीं मुझे वो कि कहाँ से इनको मिली थी और उसके फोन नंबर लिया और फोन के द्वारा इन्होंने उसका माइंड वॉश किया और माइंड वॉश करके एक मतलब वो बीटेक कर रही थी, 4th ईयर थी उसकी, और 4th ईयर छोड़कर और वो इनके पास आ गई। और जब से फिर हमें पता लगा कि यहाँ पर है, हमने पुलिस वुलिस से पता किया तो हमें पता लगा कि वो लड़की यहाँ पर है और हमने फिर कोर्ट में केस किया। यहाँ आए तो इन्होंने कहा हमारे पास नहीं है, फिर हमने जब कोर्ट में केस किया तो वो हमें कोर्ट में मिली और कोर्ट में हाई कोर्ट में जब केस डाला तो हाई कोर्ट वालों से भी उसने ये कह दिया कि भाई मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ, क्योंकि ये लोग अंदर क्या बच्चे के माइंड में कर देते हैं वो किसी को नहीं पता लग रहा। रोते बिलखते चीखते चिल्लाते ये वो लोग थे जो वीरेंद्र देव दीक्षित के इस आश्रम में रहने वाली अपनी घर की लाडली के लिए परेशान थे। इन तमाम लोगों का आरोप था कि बाबा के भक्तों ने उनके घर की लड़कियों को यहां कैद करके रखा है। मौके पर पहुंची पुलिस भी बाबा के भक्तों से दरवाजा खोल देने की गुजारिश करती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बड़ी मुश्किल से बाबा के भक्तों ने सीमा की उसकी बहन दुर्गेश से बात तो करवाई लेकिन उससे मिलने नहीं दिया। दुर्गेश का कहना था कि वो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में अपनी मर्जी से रह रही है, लेकिन सीमा को लग रहा था कि वो भक्तों के दबाव में ऐसा कह रही है। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे सीमा बाबा वीरेंद्र के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के अंदर घुस गई, लेकिन सीमा की तमाम कोशिशों के बाद भी दुर्गेश घर जाने के लिए राजी नहीं हुई। आपको कुछ होश ही नहीं है, मैं इसको डॉक्टर के पास लेके चलूंगी अभी इसी वक्त। मेडिकल होगा इसका, मेडिकल होगा, इसके साथ अन्याय हुआ है यहाँ पे। बुलाओ सबको, लड़की की आंखें सीधी नहीं है यार, सीधी है, कैसे बात करती हो तुम? मुझे अच्छा ठीक। सोमवार को सीमा की शिकायत पर राजस्थान पुलिस ने भी छापेमारी की कार्रवाई की, लेकिन सीमा की बहन ने एक बार फिर यही दोहराया कि वो अपनी मर्जी से बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में रह रही है। दुर्गेश के इस बयान के बाद राजस्थान पुलिस वापस लौट गई। इसी बीच खुद को बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का शिकार बताने वाली लड़की ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। अब एक और शख्स सामने आया है जिसका कहना है कि उसकी बेटी भी
बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की कैद में है। उन्हें डर में है, मुझे कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो लोगों के सामने उनके अंडर में है ना, शी इज अंडर द अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, इसलिए तो माँ बाप को वो अलग नहीं टाइम दे रहे, बाहर भी नहीं आ रहे। तो ये पहला मौका नहीं है जब वीआईपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का नाम सुर्खियों में आया है, ये पहला मौका नहीं है जब उसके आश्रम के बाहर लोगों ने हंगामा किया है, ये पहला मौका नहीं है जब लोगों ने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। इससे पहले भी ये वीआईपी बाबा कई बार विवादों में रहा है, करीब 6 साल पहले भी पुलिस की फाइलों में दर्ज हुई थी उसके गुनाहों की कहानी। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आध्यात्मिक आश्रम में रहने वाली लड़कियों का सच क्या है? लोगों का आरोप है कि लड़कियों को नशे का इंजेक्शन दिया जाता है जिसकी वजह से लड़कियां वही बोलती हैं जो बाबा के भक्त चाहते हैं। सनसनी में आगे देखिए वीआईपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के रहस्यमय संसार की एक बेहद चौंकाने वाली कहानी। कन्याएं शादी करनी पड़ेगी, इससे तो अच्छा है उन कन्याओं को ज्ञान में चला लें। वो कभी भगवान को बताता है कन्याओं का कन्हैया। बाप कहते हैं कन्याओं का कन्हैया आया हुआ है, कन्याएं ही ज्यादा सरेंडर होती हैं। वो कभी औरतों को बताता है नरक का द्वार। सुपनखाएं पूतनाएं बार बार पुरुषों के सामने नरक का गेट खोल के बैठ जाती हैं। धर्म पाप और पुण्य की ऐसी व्याख्या आपने इससे पहले शायद ही कभी सुनी हो। रचना रचने के लिए पहल माताएं कन्याएं करती हैं या पुरुष करते हैं? पुरुष पहल करते हैं, माताएं कन्याएं पहल नहीं करती हैं। अपने आलीशान आश्रम में भक्तों का दरबार सजाकर कुछ इसी अंदाज में प्रवचनों का प्रपंच रचता है दिल्ली का वीआईपी बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित। कन्या यहाँ से कूद कूद के गिरती है, छह कन्या यहाँ से मर चुकी है। सात तालों के अंदर हमें मिलवाया, बीमारियों के अंदर मधुमेह मिले, इतने इंजेक्शन मिले, लड़की 8 लाख रुपए लेके घर। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ दिल्ली में हंगामा करने वाले लोगों का इल्जाम है कि ये बाबा अपने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में अक्सर दरबार सजाकर बैठता है और अजीबोगरीब कहानियां सुनाकर वहां मौजूद महिलाओं का ब्रेन वॉश कर देता है। उसका प्रवचन कर्मयोग और पुनर्जन्म की कहानियों से शुरू होता है और भोग के ज्ञान पर खत्म होता है। बाबा की याद में रह के भोजन खाओ, बाबा की याद में रह करके भोग भोगो इंद्रियों के। हम आपको बता दें कि आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संचालक वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ पहले भी कई बार संगीन आरोप लग चुके हैं। करीब 6 साल पहले वीरेंद्र देव के खिलाफ यूपी के फर्रुखाबाद में आश्रम के अंदर बलात्कार का आरोप लगा था। वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में रहने वाली एक लड़की के परिजनों ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी। उस वक्त भी इस वीआईपी बाबा और इसके आश्रम के खिलाफ लोगों ने जमकर हल्ला हंगामा किया था। उस वक्त भी लोगों ने वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में लड़कियों को कैद रखने और उन्हें हार्मोन वाले इंजेक्शंस देने के आरोप लगाए थे। करीब 6 साल पहले लड़कियों के यौन शोषण के किस्से फर्रुखाबाद में गूंजे थे और अब दिल्ली के विजय विहार इलाके में भी लोगों की जुबान पर हैं वीरेंद्र देव दीक्षित के काले कारनामों की डरावनी कहानियां। आदमी यहाँ पे अलमारियों के अंदर मिल रहे हैं, बंद अलमारियों के अंदर। पुलिस देख नहीं रही कि ये कौन सा आश्रम है, कहाँ से वैलिडिटी है, इस आश्रम के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। इतने पर्दे, इतने ताले, इतनी तिजोरियां, इतने सारे लोग, अफीम गांजे की बदबू, इतने सारे इंजेक्शंस, इतने सारे कॉन्डम्स, क्या कर रहे हैं इस आश्रम के अंदर? क्या प्रशासन अंदर जाके देख नहीं सकता? गौरव नाम का ये शख्स अपनी बहन की तलाश में वीरेंद्र देव दीक्षित के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में पहुंचा था।
गौरव का आरोप है कि इस आश्रम में कैद लड़कियों को आए दिन नशे के इंजेक्शन दिए जाते हैं और फिर नशे की हालत में ही लड़कियों के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है। लेकिन आश्रम के संचालक और यहाँ रहने वाली लड़कियाँ इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही हैं। हिप्नोटिज्म जैसे तो कोई यहाँ बात होती नहीं है, जैसे कि आप खुद जानते हैं, हम यहाँ पर खुद डेडिकेटेड रूप से काफ़ी समय से रह रहे हैं, तो हम तो ये दावे से कह सकते हैं कि आप यहाँ पर हिप्नोटाइज जैसे कोई चीज़ होती नहीं है, बाकी अपनी स्वेच्छा होती है। अगर हिप्नोटाइज की बात होती तो जैसे आप यही देख लीजिए, मोहल्ला पड़ोस वाले ही इतना विरोध कर रहे हैं, इतना वो लोग गलत समझ रहे हैं इस बात को, तो अगर हमें हिप्नोटाइज ही करना होता तो हम अपने मोहल्ले वालों को ही पहले कर लेते, लेकिन यह हिप्नोटाइज जैसे कोई बात नहीं होती है। ये तो अपनी अपनी एक इच्छा है, अपना अपना रास्ता चुनने का एक अधिकार, जैसे हमारे भारतीय संविधान में भी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, तो उसके तहत जिसको इसको भी इसमें इंटरेस्ट है तो वो अपनी स्वेच्छा से आता है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों का कहना है कि वीरेंद्र देव दीक्षित ने प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक दादा लेखराज के सिद्धांतों को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है। तो क्या ये विश्वविद्यालय भी मशहूर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ही एक हिस्सा है? मामले की तह तक जाने के लिए एबीपी न्यूज ने जब ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया प्रमुख से बात की तो उन्होंने बताया वीरेंद्र देव दीक्षित ने उनके संस्थान से 7 दिन का एक कोर्स किया था, लेकिन इसके बाद से उसका इस संस्थान से कोई लेना देना नहीं है। फर्रुखाबाद में वीरेंद्र देव दीक्षित पर रेप का आरोप लगा था, उसमें भी ब्रह्म कुमारी संस्थान का नाम आया था, जिसके बाद संस्थान की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खंडन किया गया था। जगह पे ये उनका आश्रम खुला हुआ है, दिल्ली में रोहिणी के पास विजय विहार में भी एक है, तो उसमें जो है वो ब्रह्म कुमारी संस्था का जो नाम है उसका आधा यूज करके ब्रह्मा कुमारी अपने को साबित करके, ब्रह्मा कुमारी संस्था साबित करके लोगों को अपनी फोल्ड में ले रहे हैं और खुद भी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, उनकी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हैरत की बात है कि बाबा पर लगे संगीन इल्जामों और इन तमाम विवादों के बावजूद उनके हजारों भक्त आज भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भगवान ने बोला, उवाच मैंने बोला। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी तहलीस पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।